It is a magical quest as to what heavens hold that trickles and transpires into dews. Something that clears the air and refreshes the trails and sojourns through hills and forests, rendering spirit into the lifeless. Painting our world in crystallized hues, there is a story to it that gets us to horizons of hopes. A story that traversed from one to many. A story of inspiration for generations to behold. Of water and waterman who brought life to the barren land. Of Rajasthan's Dr. Rajendra Kumar Singh, who painted the desert into shades of green. हमने 11,000 जल संरचनाओं का निर्माण करवाया, पर हम किसी एक छोटी सी संरचना के भी मालिक नहीं है। समाज मालिक है। कोई संरचना हमारी नहीं है, सारी संरचनाएं समाज की हैं, क्योंकि समाज ने मिलके काम करके वो संरचनाएं बनाई हैं। हम तो केवल समाज में एहसास जगाने का, और ये काम समाज कर सकता है, उसका आभास पैदा करने का काम करते हैं। People from different communities from more than 1,000 different villages and 11 districts of Rajasthan got together in solidarity towards eradicating the water crisis, backed by Rajendra Singh's knowledge and direction. And the results have been astounding. अजी पानी देखवा में मजा आता है हमको। अब दुनिया भर में पानी को नहीं रहा, अपने बन भी रहे हम आज तो आत्मा हो सो ही खुश थे। पानी जाता है जब आप ही दिल में खुशी हो जाती है सर, दिल उम जाता है, फिर अपना तब सब कुछ हो गया, अपना तो राज जीत लिया। और पानी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता है, बेकार है फिर, जीव खराब है। तो खुशी ये पैदा हो रही है, जानवर को पानी, वन प्राणी को पानी है, गाँव का जानवर को पानी है, खुशी खुशी है। It started with the first-hand victims of drinking water crisis, women. They were the first ones to begin the movement, setting out steps for others to follow. हमारे इस पानी के काम में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। पानी का सुख दुख सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। पानी का कष्ट सबसे ज्यादा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। महिलाओं को पानी लाने के लिए कभी कभी तो 6 से 8 घंटे लगते थे। एक गांव है क्रासका, क्रासका की महिलाएं पीने का पानी आलग्वाल से आती थी लेने, 9 किलोमीटर। महिलाओं की जिंदगी में जो ड्रेजरी थी, जो कष्ट था, वो पानी का था। तो जब महिलाओं को ये लगने लगा कि इस पानी के काम से हमारा कष्ट कम होता है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से महिलाएं पानी के काम के लिए आगे आई, और उन्होंने साइट सिलेक्शन से लेके जल संरचनाओं के निर्माण करने तक सब लेवल पे उन्होंने योगदान दिया, सब लेवल पे उन्होंने काम किया। The coming together of communities and alignment of their thoughts created a momentum that could never be stopped. The area used to be dry, drought prone and totally barren 3 decades back. Drinking water was not available. Groundwater levels were extremely low and agricultural development was impossible. As a result of this, people were migrating to different cities and states in search of work. पहले पानी नहीं हो, धान सूखी आ गई, गेहूं खाते हुए अब धान ही रहा, गेहूं रहा। तो पानी नहीं है पीने के लिए, यहाँ से 3 किलोमीटर और गुआर जंगल फाड़ कूद पानी लाओ सा। पहले साहब ये बाढ़ थी, सही
पानी आता था निखर जाता, पानी आता था निखर जाता था। ना पहले कुछ नहीं था हमारे घर, ऐसे ही था वो बटखावट। पानी की पीवा के लिए व्यवस्था नहीं थी हमारे लिए, अतरी तकड़ी समस्या थी। और न पानी से ठेठ गुजरात सुरेंद्र नगर में काम कर आयो, भावनगर में काम कर आयो, और इन्हें बड़ौदे में जाए बम्बई तक जाए रतलाम सूरतन सटेटे तो उन बातों फिर हुए थे। और लोखंड को काम करा था, जहाँ मैंने दो महीने कमाया चार आ जाओ चार आपको टाइम पास करे ना। मैं यहाँ आया तब सब लोग बीमार थे, लाचार थे, बेकार थे, तो एक निराशा थी। No sooner than later, every inch of North Rajasthan transformed. Water table improved. Perennially dried rivers got revived. And agriculture became a sustainable occupation. Happiness and prosperity returned to the villages. उसी ये मिली कि हमारी पैदावार ज्यादा बढ़ गई, हमें पानी की पूर्ति हो रही है, हमारे बच्चे बाल बच्चे नारे उसमें कूद कूद के मवेशियां पानी पी रही है, और हमें बाहर से लाने के लिए कहीं पानी के टैंक नहीं लेने पड़ रहे। तो पानी रुक गया है, पानी रुक गए थे, फिर धान धान पैदा है जाए, फिर गेहूँ पैदा है जाए, पहले बाजरो बाजरो पैदा हुआ, कोई गेहूँ पैदा नहीं हुए, धान भी सूखी आ, अब खूब धान हो मच्छे गिर गए और खूब गेहूँ हो। अरे उन्हें साल भर को कमाओ जो तरह से वो पहले खेत पड़े थे ना खाली, ये पाइप लग रहे थे है ना, 40 में कतरा बोल रहे यानी इंग्लिश में 40,000 को तुम्हें बेच दियो। अरे हम नीचे लाल खाए चने ना जिम 60,000 की बेच दियो भिंडी, 1,00,000 रुपया होगा, 1,00,000 रुपया का जो गेहूँ सरसी बेच दिया 2,00,000 होगा, अरे अभी 40 काल दे रहा है तो 1,370 रुपया हो। अरे आज जाओ कम से कम भाव नहीं आओगे ऊपर, जो अच्छे भाव होगा ना ना, यदि 35-40 का भाव तो 4,000 रुपये में चल जाओ। जड़ से जीण थड़ है, जहाँ बर्फ पानी है ना सब कुछ है, और जहाँ पानी नहीं है ना तो बर्बाद है, चाहे कितने पैसे वाले हुए भी बर्बाद है। ये सब हरियाली, ये सब पानी, और ये सब जो जगह जगह खेती होने लगी है, जो नौजवान लोग गांव छोड़ के उजड़ के चले गए थे मजबूरी में शहर में, वो वापस गांव आ गए हैं, हर घर में दूध खाने के लिए अनाज मौजूद है, तो अन्न की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, जल और वायु की दोनों की सुरक्षा, ये मेरे लिए एक तरह से खुशी है, आनंद है। However, the journey had not been easy. It started with Dr. Rajendra Singh leaving his well-established job to start practicing as an Ayurvedic doctor in the villages. As he learned that the community struggled more for water than healthcare, he gathered people and started looking for solutions to conserve water. It was indeed a difficult task to win over the trust of these villagers and get them together to work in a synergetic way ahead. First of all, जब ये आए तो लोगों ने तरह तरह की शंकाएं जाहिर की कि ये क्यों आए हैं और ये क्या करेंगे। दूसरी बात आप अदरवाइज बता दीजिए, क्योंकि ये यूपी से थे और यूपी स्टेट उस समय है उस तरीके का, उसकी कहाँ से इमेज अच्छी थी नहीं, तो ये थे कि ये तो यूपी के लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ गांव में राजेंद्र भाई साहब जो बिक्रमपुरम आया, बिक्रमपुरम तरुण आश्रम में, ये अकेला आया था, सिर्फ अकेला आया था, इसके पास कपड़े भी नहीं थे चौके, पर माँ का तो बिल्कुल ही विश्वास को छू। अब जैसे थे अगर अब थे मैं ये काम करूँगा ये काम करूँगा, मैं थार विश्वास कहीं कर लू मैं, यार पता नहीं यार अपने को यहाँ बिल्कुल ऐसे बर्बाद कर कर चले जाएंगे। ये काम भी किया है जब है कि पब्लिक डरे डरे पे काम करवा भाई, क्या तो हमारी जमीन पर कब्जा निकलने का विचार है, ऐसा अज्ञान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार कम है आदमी। देखो वो समय हमारे लिए बहुत कठिन समय था, एक तो हमारा शुरुआती का दौर था, तब हमने काम शुरू ही किया था, दूसरा लोगों में विश्वास
शुरू होने का दौर था और उसी वक्त माइनिंग का जो दुष्प्रभाव है वो हमें समझ में आ गया था। सारा माइनिंग माफिया हमारे खिलाफ हो गया, बौखला गया और बस हमले करने लगा। जानलेवा हमले हुए, एक नहीं तीन बार। अरे एक बार तो मेरे ऊपर इतना खतरनाक हमला हुआ कि मैं 20 दिन तक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोमा में भर्ती रहा। इससे तो आदमी डर जाता है ना, टूट जाता है। राजेंद्र सिंह फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशन अलोंग विद हिज टीम, कम्युनिटीज एंड लीडर्स इन हाई कोर्ट इन राजस्थान। दिस रफल्ड एंटायर माइनिंग माफिया which attacked him about 15 to 20 times in different ways so as to impede the movement ahead. Lekin main andar se kabhi dara nahi tha, mere andar dar nahi tha. Mujhe hamesha ye lagta tha ki main apne liye nahi kar raha hu, main jiske liye kar raha hu wo mere saath hai. Eventually a notification stating closure of 470 mines in Sariska Tiger Reserve and around its borders was ruled out. And in 1992, mining was banned by the Ministry of Environment and Forest in entire Aravalli Hill System as per Section 3, Subsection 1 and Subsection 2, 5 of the Environment Protection Act 1986. His work has not only united the people and the society, but has taken us back to our roots. Indian history is flooded with examples, techniques and case studies of water conservation, water management and entire water culture as a whole. He has reintroduced us to our very own methods. Needless to say, his efforts have been duly recognized at national as well as global level. He received the Ramon Magsaysay Award in 2001 for community leadership and was recently felicitated with the prestigious Stockholm Water Prize, which is one of the highest honors. He has proved that one requires no formal education or training to join hands in the water conservation movement. All one needs is basic understanding of the water flowing system underneath the earth and most importantly a strong will to save water and save the earth. Hame yahi aise hi kaam karne aate hain, hame aur kaam to aata nahi, isliye humne ye tay kar liya hai ki hum hamari zindagi ka jo ab aur baki samay hai hame yahi karna hai. Pani, prakriti, पर्यावरण और ये पूरा परिवेश अच्छा बने उसके लिए लगे। Let's join our hands with this inspiration towards making the world water abundant, greener and moving towards a sustainable future.